नमस्कार दोस्तों, सिंगल और यूनिक प्लेटफॉर्म की इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंगल एंड यूनिक प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। टुडे इज 27 सितंबर 2018 एंड वी विल डिस्कस द करंट इवेंट्स इन दिस करंट अफेयर शो। आज है 27 सितंबर 2018 और 27 सितंबर 2018 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो हम इस शो में डिस्कस करेंगे। Please share and subscribe our channel and press the bell icon for more education related videos. Now let's have a look on the history. There are two events related to this day. The first one is, on this day in the year 1958, Mihir Sen became the first Indian to swim across the English Channel. And second one is, in 1998, world's largest search engine Google was launched. Now let me tell you, the founders of Google are Larry Page and Sergey Brin. इतिहास की दो घटनाएं आज के दिन से जुड़ी हुई हैं और पहली घटना है, आज ही के दिन सन 1958 में मिहिर सेन इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय बने। दूसरी घटना है, आज ही के दिन सन 1998 में विश्व के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल की शुरुआत हुई और गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। Now let's discuss the questions of this current affairs show. The very first question is, where has the Smart City Expo World Congress begun? And it has begun in Jaipur, city of Rajasthan. Jaipur is also known as the pink city of our country. Now let me give you the basic information about Rajasthan. Jaipur is the capital of Rajasthan. CM of Rajasthan is Vasundhara Raje. Governor is Kalyan Singh, and this event, that is Smart City Expo World Congress, has been inaugurated by our Vice President Shri Venkaya Naidu. Now in Hindi, Smart City Expo World Congress कहाँ शुरू किया गया है? और ये शुरू किया गया है राजस्थान के जयपुर शहर में। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। इस स्मार्ट सिटी एक्सपो वर्ल्ड कांग्रेस का उद्घाटन हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। ये भारत के मानचित्र पर आप देख सकते हैं राजस्थान का मैप, जो लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है। राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, राजस्थान के राज्यपाल हैं कल्याण सिंह। दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो मेरे दोस्त अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको बारी बारी से एक बार हिंदी और एक बार इंग्लिश में जब डिस्कशन किया जाएगा तो आपकी इंग्लिश अपने आप ही इम्प्रूव होती चली जाएगी। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर टू। विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री दैट विल एक्ट एज गाइड फॉर द कॉमन पीपल इन लोकेटिंग अ फाइनेंशियल सर्विस टच पॉइंट एंड द ऐप इज जन धन दर्शक। दिस इज द ऐप विच इज जॉइंटली डेवलप्ड बाई डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, दैट इज NIC। एंड लेट मी टेल यू, द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री इज श्री अरुण जेटली। अब हिंदी में, वित्त मंत्रालय द्वारा लोगों की सुविधा के लिए कौन सी नई ऐप लॉन्च की गई है? और इस ऐप का नाम है जन धन दर्शक। इस ऐप के माध्यम से लोग अपने बैंकों की ब्रांच का पता लगा सकेंगे और उनकी ATM की जानकारी तथा IFSC कोड की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। हमारे देश के वित्त मंत्री हैं श्री अरुण जेटली जी। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर थ्री। हाउ मेनी T-72 टैंक इंजन्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर प्रोक्योरमेंट बाय डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, दैट इज DAC, एंड टोटल 1000 हैज़ बीन अप्रूव्ड। DAC was established in the year 2001. The chairperson of DAC is our Union Defence Minister, that is Shrimati Nirmala Sitaraman. Now in Hindi, रक्षा खरीद परिषद ने T-72 टैंकों के लिए कितने इंजनों को खरीदने की मंजूरी दी है? और इनको कुल 1000 इंजन खरीदने की मंजूरी दी है। इसमें अनुमानित 23,000 करोड़ रुपए की लागत का खर्च आएगा। हमारे इस DAC यानी रक्षा खरीद परिषद की अध्यक्ष हैं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर।
which state has approved for financial assistance to acid attack victims, and the state is Haryana. The capital of Haryana is Chandigarh. CM of Haryana is Manohar Lal Khattar, and the governor is Satyadev Narayan Arya. And it has been recently appointed, so it is very important from the perspective of exams. Now in Hindi, किस राज्य ने तेजाब हमले के पीड़ितों को मासिक पेंशन देने की घोषणा की है, और इस राज्य का नाम है हरियाणा. हरियाणा, जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत के मानचित्र पर लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है. हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, और हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5. Israel-based upstream commerce firm has been bought by which Indian firm? And it has been bought by Flipkart. Flipkart is a Walmart-backed firm. Now let me give you the basic information about Israel. Capital of Israel is Jerusalem, and the PM of Israel is Benjamin Netanyahu. Question number 5 in Hindi. कौन सी ई कॉमर्स की कंपनी ने इसराइल की अपस्ट्रीम कॉमर्स का अधिग्रहण किया है, और यह है फ्लिपकार्ट, जो वॉलमार्ट द्वारा समर्थित है. अब मैं इसराइल के बारे में आपको बताना चाहूँ. इसराइल की राजधानी जेरूसलम है, और इसराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6. विच पीरियड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द नेल्सन मंडेला Decade of the Peace by United Nations, and the period from 2019 to 2028. Nelson Mandela was president of South Africa from 1994 to 1999. Nelson Mandela Day is celebrated on July 18 every year. And UN headquarters is in New York, and the General Secretary of UN is Antonio Guterres. किस दशक को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नेल्सन मंडेला शांति दशक घोषित किया गया है, और यह दशक है 2019 से लेकर 2028 तक. संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस. नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के 1994 से लेकर 1999 तक राष्ट्रपति रहे हैं, और विश्व नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है जुलाई 18 को. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द नेम ऑफ द कैबिनेट अप्रूव्ड न्यू टेलीकॉम पॉलिसी, एंड द नेम इज नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी 2018, दैट इज NDCP. द एम ऑफ दिस पॉलिसी इज टू अट्रैक्ट 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट 4 मिलियन जॉब्स इन द सेक्टर बाई 2022. नाउ सरकार द्वारा जारी की गई नई टेलीकॉम पॉलिसी का क्या नाम है, और इस पॉलिसी का नाम है राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018. इसका लक्ष्य है 40 लाख नौकरियां देने का, और 100 अरब डॉलर का निवेश टेलीकॉम सेक्टर में लाने का. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8. फॉर व्हाट पर्पसेस सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड आधार mandatory, and the purposes are: first one is linking to PAN card, and second one is filing income tax returns. Supreme Court ने आधार कार्ड को किस से जोड़ना अनिवार्य किया है, और ये दो हैं, PAN card से जोड़ना, और दूसरा income tax return भरने के लिए. Now let's discuss a few questions from the world of sports. Very first question is: Who will captain the Indian hockey team in the Asian Champions Trophy? And the person is Manpreet Singh. This Asian Champions Trophy will be conducted in Muscat. भारतीय हॉकी टीम की कमान एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किसे सौंपी गई है, और ये सौंपी गई है मनप्रीत सिंह को. Now let's discuss question number 10. Which is the venue for the third Para Asian Games 2018? And the venue for these games is Jakarta, Indonesia. तीसरे पैरा एशियन गेम्स 2018 कहाँ आयोजित किए जाएंगे, और ये किए जाएंगे इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में. That's all in this current affairs show. Thanks for watching it. Please do share and subscribe our channel. Thank you. धन्यवाद.